लेडी बैग की तरह होती है, ठीक है। तो इसे आप अपने किसी बहुत ही अच्छी फ्रेंड को दे सकती हैं या आप अपनी मदर को दे सकती हैं मदर डे पर। तो आइए लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं। आप एक पिंक कलर की कार्ड शीट ले लीजिए, सिंपल से पिंक कलर की कार्ड शीट है जिसको मैं बैग की शेप में कटिंग कर लूँगी, ठीक है। मैंने ये इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली है, ये बैक के शेप की कटिंग है, इसको मैंने कट कर लिया है। इसके ऊपर मैं यहाँ पर ग्रीन कलर की कार्ड शीट से एक डिफरेंट ग्रीन कलर की कार्ड शीट को काट कर कटिंग करके मैं इसके ऊपर स्टिक करूँगी, ठीक है। डिज़ाइन बहुत प्यारा सा सिंपल सा होगा। अगर मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि मैंने इसके ऊपर इस ग्रीन कार्ड शीट को रखा है, ठीक है जी। और फिर मैं इसके ऊपर जो है पेंसिल से शेप दे दूँगी सिंपल। एक डिफरेंट कलर डिफरेंट सा स्टाइल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, यहाँ से मैं इसको राउंड शेप दे दूँगी। ये मैंने इसको राउंड शेप दे दिया है और मैं अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत प्यारा, मगर आप ये अपनी मॉम को देंगे तो मॉम खुश होंगी कि आपने अपने हाथों से हैंडमेड कार्ड बनाया है और उनको गिफ्ट किया है। क्योंकि बाज़ार में तो बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, बट जो हम किसी में खुद से एफर्ट करें तो सामने लेने वाले को भी अच्छा लगता है और देने वाले को भी अच्छा लगता है। और ये बहुत सिंपल सी है, सिंपल सी कटिंग्स हैं। और इसको जो सेंटर हम करेंगे, इसमें सेंटर में इसको मोड़ के इस बीच में एक कट लगा देंगे, दैन उसके बाद हम इसके अंदर सीजर को डाल के और फिर हम अब इसकी कटिंग कर लेंगे। सीजर को नीचे से लेकर आएंगे और इसकी कटिंग स्टार्ट कर देंगे जी। ये देखिए सिंपल सी है और वेरी इजी। ये लीजिए जी, ये भी कट हो गया फाइनली। अब मैं इसको इसके ऊपर स्टिक कर दूँगी, ठीक है जी। स्टिक लेकर मैं इसको यूवी स्टिक की मदद से स्टिक कर दूंगी। ये देखिए सही है जी। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी डिजाइनिंग करूंगी, सिंपल सी डिजाइनिंग, बहुत इजी। ये मेरे पास मिरर थे घर पे रखे हुए, इन मिरर को ही मैं यूज़ कर दूँगी। आप बटन यूज़ करना चाहें, फ्लावर बनाकर लगाना चाहें तो आप फ्लावर बटन भी यूज़ कर सकते हैं जो घर में अवेलेबल हो इजीली। ये देखिए अब मैं इसको इनके ऊपर स्टिक कर दूँगी। अब देखते हैं किस तरीके से करना है। इस पर भी मैंने ये यूवी स्टिक लगाई और इसको मैंने ये स्टिक कर दिया है यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से मैंने सिंपल से ये मिरर इसमें स्टिक कर दिए। अब मैं इसके बैक पे भी सेम यही करूँगी और ये मैंने पहले से किया हुआ था, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक कंप्यूटर पेपर अच्छे से शेप में कटिंग करूँगी। ये देखिए जैसे कि मैंने कट करके रखा हुआ था, इसको मैं इसमें स्टिक कर दूँगी। ये देखिए ये मैंने स्टिक कर दिया। इसको मैं क्लोज करूँगी तो ये सेंटर से भी निशान इसमें बनेगा। इसके अंदर मैंने हैप्पी मदर्स डे लिखना है, फैमिली फ्रेंडशिप डे लिखना है, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे अच्छे से कलर से मार्कर से लिख सकते हैं।
रेड ग्लिटर पेन यूज करूँगी और हैप्पी मदर्स डे क्योंकि मैंने अपनी मॉम के लिए बनाया है। आपको ये हैंडमेड कार्ड पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।